हेलो दोस्तों, ऑर्थोपेडिक्स और खासकर हिप रिप्लेसमेंट की इन्फॉर्मेशन देने वाले चैनल से मैं डॉक्टर नवीन शर्मा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हिप रिप्लेसमेंट के बारे में सब जगह सब प्रॉपर जानकारी अवेलेबल नहीं है। कई जगह तो लोग सोचते हैं कि पता नहीं ये कितना महंगा ऑपरेशन होगा, कई बार ये डर रहता है कि कितने दिन का बेड रेस्ट करना पड़ेगा, और कई बार ये कि सक्सेस भी होगा कि नहीं होगा, और इसी तीन डरों की वजह से पेशेंट ऑपरेशन कराता नहीं है। लेकिन दोस्तों, जैसे कि मैंने अपने कई वीडियोस में बता चुका हूँ कि जो AVN है या हिप आर्थराइटिस है, इसका इलाज चूर्ण चटनी से तो पॉसिबल नहीं है। इसमें हिप रिप्लेसमेंट का ही सॉल्यूशन रहता है। आज मेरे साथ एक फाइटर मौजूद है जो बहुत दूर से मेरे पास आए हैं। आइए, इनकी स्टोरी आपसे शेयर करूँगा। क्या नाम है भैया आपका? सर, मेरा नाम सहदेव शिंदे है, सोलापुर महाराष्ट्र से आया। आप क्या काम करते हो सहदेव जी वहाँ पे? सर, मैं खेती प्लस खेती के दवाओं का जो दुकान रहता है उसमें भी काम करता हूँ। अच्छा, और वहाँ पे आपके परिवार में कौन कौन लोग हैं? मेरे भाई है और माँ। अच्छा, पापा। आपको कूल्हे में जो खराबी थी वो कैसे हो गई थी? सर, मैं मेरे को बुखार आया था, इसलिए मैं मेरे को स्टीरॉयड दिया गया था। अच्छा, इसलिए एक दिन कितने दिन स्टीरॉयड लिया था आपने? स्टीरॉयड लगभग 3 महीने देख लिया। तो आपको बताया था क्या कि हम स्टीरॉयड दे रहे हैं? आपको बताया नहीं था? नहीं, बताया नहीं था। आपको बताया नहीं चला? नहीं पता। तो आपने कोई देसी दवाई ली थी या डॉक्टर के पास गए थे आप? डॉक्टर के पास गया था मैं, वहाँ पे गया तो मेरे को बोला ड्रिल होल सर्जरी करा दो। ड्रिल होल सर्जरी? हाँ, ड्रिल होल सर्जरी की मैंने। अच्छा, तो उसका रिजल्ट नहीं आया। मतलब कई लोग ऐसे कहते हैं कि सर हम ड्रिल होल करा लेंगे, तो आप ये कहोगे कि ड्रिल होल मत कराओ? हाँ। कोई फ़ायदा नहीं हुआ आपको ड्रिल होल का? कितना रुपया लग गया था ड्रिल होल कराने में? 60,000 रुपये गए थे। तो आपको तो पैसों की भी दिक्कत हुई और रिजल्ट भी नहीं मिल पाया? हाँ, पैसों की दिक्कत हुई, रिजल्ट भी नहीं। फिर आपको मेरे बारे में कैसे मालूम चला? यूट्यूब से मैंने देखा। तो आपके आस पड़ोस के लोग ये नहीं बोल रहे थे कि तुम इतना दूर क्यों जा रहे हो, यहीं पे हाँ, इलाज कराओ? यहीं पे इलाज करा दो, लेकिन मैंने किसी के सुना। आपका यहाँ का एक्सपीरियंस कैसा रहा? यहाँ पे आपने दोनों ही हिप चेंज कराए हैं 7-8 दिन के अंतर पे, तो कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा? बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। आप जो सोच के आए थे, कई लोग बोलते हैं कि सर बुला तो लेते हैं, बड़ी चढ़ी बातें कर देते हैं, लेकिन जब जाते हैं तो अच्छा एक्सपीरियंस नहीं होता। जो वीडियो में दिखा है वो सब कुछ सच्चाई है। आप खुश हो यहाँ पे? 100%। कितने लोग आपके साथ आए थे ऑपरेशन के टाइम? एक साथ। आपको क्या लगता है कि मान लो अगर कोई आदमी जिसके साथ आना चाह रहा है लेकिन आने वाला कोई है नहीं, तो अकेले आके ऑपरेशन करा सकता है? करा सकता है, बिल्कुल। और ऑपरेशन में कितना दर्द होता है? कुछ भी नहीं, जीरो। आप यहाँ पे जो भी ऑपरेशन हुआ उससे सेटिस्फाइड हो? 100%। तो अगर कोई और लोग है जो महाराष्ट्र से इस वीडियो को देख रहे हैं, तो मराठी में कुछ मैसेज दे सकते हो उनको? ज्यांना कोणाला हिपचा त्रास असेल अशा लोकांनी जयपूरमध्ये डॉक्टर नवीन शर्मा यांच्या दवाखान्यात ॲडव्हान्स हॉस्पिटलमध्ये येऊन हिप रिप्लेसमेंट करून घेणे, आणि काहीही कुठल्याही प्रकारचं त्रास होत नाही, चांगल्या प्रकारे ऑपरेशन सर करतात। दोस्तों, अगर आप लोगों को हिप रिप्लेसमेंट की प्रॉब्लम आई है और आपको ऐसा लग रहा है कि मैं कैसे ऑपरेशन कराऊं, कौन सी टेक्नोलॉजी से कराऊं, कितने दिन चलेगा, कितना खर्चा लगेगा, कौन सी कंपनी का इम्प्लांट बढ़िया रहेगा, कोई भी कंफ्यूजन है तो नीचे लिखे गए नंबरों पर संपर्क करो और हम आपकी पूरी मदद करेंगे। ठीक है बेटा, कॉन्ग्रेचुलेशंस।